भाई नहीं हटा भाई ऊपर से भी हटा दिया राजे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की बैकबोन बनने वाली अमेठी जनपद आजादी के बाद से ही लगातार ये डिसीजन है वीवीआईपी जनपद होने के बावजूद विकास से बहुत पिछड़ा था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण होने के बाद विकास और तीव्र गति से यहां बढ़ेगा। हमारी सरकार ने 8 पैकेजेस में 340 किलोमीटर लंबा इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्य को प्रारंभ किया है। यह कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 14 जुलाई को इसका शिलान्यास किया था। इसकी प्रोग्रेस देखने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। हम लोगों का प्रयास है कि 15 जून तक अर्थवर्क पूरा हो जाए, हर किसान को कंपनसेशन जो भी अनुमन्य है वह उसे उपलब्ध कराने के साथ ही किसी भी प्रकार की कोई असुविधा इस पूरे कार्य में न हो, किसानों को भी न हो। और जो सड़कें, चूंकि बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग बनने जा रहा है, एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, तो डंपर यहां पर कार्य करेंगे, सड़कों पर आएंगे जाएंगे, जिन सड़कों पर उनके जाने से वहां पर सड़कें खराब होंगी, उन सड़कों की मरम्मत, रख रखाव और नवीनीकरण के लिए भी यहां पर कार्यदायी संस्थाओं से कहा गया है कि वे इस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करके उन सड़कों की रख रखाव, उनके मरम्मत और उनके नवीनीकरण के कार्य को भी वे पूरा करें। यह कार्य 340 किलोमीटर का यह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, हम इसे 24 महीने के अंदर बनाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर हम लोग औद्योगिक गलियारा भी बनाना चाहते हैं, जिससे स्थानीय नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में यह एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित हो, इस पर हम लोगों का फोकस है। और इसी बात को ध्यान में रख करके कम लागत में अच्छा विकास का एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे साबित होगा, इसलिए इसका निरीक्षण सीएम साहब।